देहरादून के जिला अधिकारी ने सोमवार को जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी हैं। उन्होंने बताया है कि 100 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसमें से अधिकतर शिकायतें पानी से जुड़ी है और बिजली, सड़क, पानी और गंदगी को लेकर हुई है। वहीं कुछ शिकायतें जमीन के कब्जे को लेकर और रास्ता रोकने को लेकर भी आई हैं। सभी शिकायतों के मामले में संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए हैं और शिकायतों पर जल्द ही कार्रवाई करने का भी, समाधान करने को लेकर भी निर्देशित किया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जी 107 के करीबन कंप्लेन आई हैं और हर तरह की कंप्लेन है। कहीं बिजली के तार की हो गई, कहीं गंदगी की हो गई, कहीं रोड की हो गई, और मेजरली जो आती हैं वो ज़मीन के जो विवाद होते हैं उनके ऊपर आती है। पड़ोसी ने कब्जा कर लिया या उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी जिसमें रास्ता था, रास्ता नहीं दिया गया, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की कंप्लेंस होती हैं जो यहाँ आते हैं, लोग उसको लेके आते हैं। हम कंसर्न SDM और तहसीलदार या जो भी विभाग है कंसर्न, उसको बता दिया जाता है, जिससे कि उस पर कार्रवाई की जाए।